स्ट्रीट सेल्फ डिफेंस में ये हमारा एक वीडियो है जिसमें कि हम अगर कोई स्टिक से आपको हिट करना चाहता है तो उसका हम डिफेंस सीखेंगे कि स्टिक से कैसे आप बच सकते हैं। अगर आपके पास लगभग इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जब स्ट्रीट की बात हम करते हैं तो जो हमारा एक डिस्टेंस को जज करने का मैटर है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके हाथ में स्टिक है, ठीक है, और ये मुझे हिट करना चाहता है, कमियों ओके अगर ये मुझे हिट करना चाहता है, ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। लाइक फर्स्ट वो मुझे हिट कर रहा है, एंगल वन से हिट करने की कोशिश करो। ये अगर मैं दो चीज़ें, दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इससे आउट हो जाऊँ पूरी तरह से तो ये स्टिक बाहर चली जाएगी, या तो सेकंड जो मेरे पास ऑप्शन है वो ये है कि मैं पूरा एंट्री ले लूँ। दूसरा ऑप्शन में मुझे क्या करना है, एंट्री ले लिए देन आई कैन हिट, ठीक है। मुझे दो ऑप्शन पर ही काम करना है और मेरे जो डिस्टेंस है उसका जजमेंट मेरा अच्छा होना चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दिस इज आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर चला गया, ठीक है, तो पहला हिट करो आई एम गोइंग आउटसाइड, सो चांसेस है कि मैं बच जाऊंगा। दूसरा यह है मैं यहाँ पर हूँ, उसने हिट किया, मैं इनसाइड चला गया, मैंने हिट किया और फिर मैं यहाँ इसे टैकल करना चाहता हूँ, जो भी मेरा मार्शल आर्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं इसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एंट्री की इस टाइम, इसीलिए जो फुटवर्क होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम फुटवर्क की बात करें तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सपोज जरो हिट करो, ये मेरा वन स्टेप आउट है, ये चला गया पीछे, आओ वापस एंड आई कम दिस साइड और अब मैं यहाँ से इसे टैकल कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए कि आप लोगों को अगर पीछे स्पेस नहीं है आपका, आप हट नहीं सकते, तो आपको टोटल बॉडी में एंटर हो जाना है। जैसे हिट करो तो यू विल गो इनसाइड, ऑलराइट, आप क्या हुए, बॉडी में एंटर हुए। एंटर होने के बाद आपका जो हाथ है वो आप यहाँ यहाँ जहाँ आपको प्लेस करना हो कर सकते हैं, एल्बो कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, बॉक्सिंग जो करना है। देन टेक दिस हैंड, ये वाला हाथ आपने लिया, इसे एक्सटेंड करेंगे डाउन हो जाएगा। अगर आप इसे इधर पुश करते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन आप लोगों ने, जो भी मार्शल आर्ट आप सीख रहे हैं पर्टिकुलर, जैसे हमारे क्लास में अगर हम बात करें तो उसमें हम 10 आपको ऑप्शंस एक सिंगल एंगल पर सिखाते हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम इसका पूरा एक वीडियो देखेंगे कैसे आप ग्राउंड तक ला सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पहला स्टेप ये है कि अगर कोई है अग्रेशन में है और वो हिट करना चाहता है तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपको उसकी बॉडी के पास चले जाना है, क्योंकि जो वेपन की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ तक पहुँचना है। अब इनकेस वो हिट करता है, हिट आप एंट्री ले लिया आपने, एंट्री लेने के बाद इस साइड आप इसे पुश कर सकते हैं। अगर आपने इधर को रखा है तो आप इसे पुश करेंगे, होल्ड कर लीजिए, जो आपकी ये जगह है अगर आप इसे हिट करते हैं ऐसे होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद आप इसे लेके आइए और आप नीचे ज़मीन में ले जा सकते हैं। और अगर आपको अपने दोनों हाथ फ्री करने हैं तो आप इस वाले हाथ को देखिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, ये जो हाथ होता है इसको अगर आप इस तरह से मोड़ के और यहाँ प्लेस कर लेंगे नीचे तो दूसरे को देखिए बहुत पेन होगा। ट्रेनिंग में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आप इसे नॉर्मल ही प्लेस करें इस तरह से, और आप इसे फेस पर इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आप दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ डिफेंस के केस में आपने जैसे उसे ग्राउंड पे गिराया है उसके बाद आप वहाँ से निकल सकते हैं, बट अगर आपको कंट्रोल करना है उसको पूरी तरह से तो आप इस तरह से इसे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा हल्का सा मोड़ कर रखेंगे तो बहुत पेन होने वाला है, तो हम इसे प्लेस इस तरह से कर लेंगे। फिलहाल ट्रेनिंग के लिए पुश कर लीजिए, दूसरा हाथ भी आप इस तरह से यहाँ से मोड़ के पकड़ लीजिए। अब ये कुछ नहीं करेगा, अगर आप सोच रहे हैं कि वो पैर से करेगा या बॉडी से कोई मूवमेंट करेगा तो बस आप इसे घुमा दीजिए, ओके। तो आपके हाथ में क्या है, अब उसकी चाबी है, तो एक बार हम इसे पूरा आ जाओ तो पूरा एक बार इसे रेगुलर स्पीड में करते हैं और होपफुली आप लोग इसे पूरी तरह से सीख पाएंगे। जैसे ही कोई आता है तो आपको हिट करना है पहले फेस पे,
एक हाथ कहीं ना कहीं फेस पे होना चाहिए, दूसरा जो है आपका कहीं यहाँ होना चाहिए, इसको ब्लॉक करें यहाँ पे। तो आइए फिर से दोबारा से करेंगे। यू पुश दिस इज हिट या एंड गो ऑन ग्राउंड या प्लेस इट एंड पुश कम। तो ये था आपका डेमो कि अगर आप स्टिक के साथ में या हॉकी स्टिक से या इस लेंथ का कोई भी वेपन हो, अगर कोई आपको हिट करना चाहता है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उस रेंज से बाहर चले जाइए या पूरी तरह से बॉडी में एंट्री ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप सेंटर में कहीं रहेंगे तो आप लोगों को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और एबल गाइडेंस में प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी गाइडेंस में प्रैक्टिस करेंगे। एक रेगुलर रूटीन के साथ अगर आप मार्शल आर्ट सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आपको चोट कम लगेगी या आप इंजरी कम करेंगे अपनी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।